फाइनली भाई कल्कि का ट्रेलर के अनाउंसमेंट हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर पहले मेगस ने एक पोस्टर के जरिए बताया है कि उनके फिल्म का ट्रेलर किस डेट पे आने वाला है। ट्रेलर का डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बट इसके साथ साथ भाई जो पोस्टर के इन लोगों ने रिलीज करा है ना, पोस्टर या सीरियसली मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। चलो फिर बात करते हैं एक चीज़ पे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई अभी तक जो भी लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को प्रॉपर तुम लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेलर कब आने वाला है। ट्रेलर आने वाला है भाई 10th of June के दिन, मीन्स पहले 7 तारीख को मेकर्स प्लान कर रहे थे, बट अभी जो इशू हुआ था इस वजह से मेकर्स ने भी थोड़ा सा अपना ट्रेलर के रिलीज डेट में ना एक्सटेंड कर दिया हुआ है। 10th of June को ट्रेलर का रिलीजिंग डेट रखा है और आज तक एक पोस्टर फिल्मों ने रिलीज करा है, देन इसके बाद एक ये लोग ग्लिम्स या टीजर टाइप से कुछ चीज़ों को रिलीज करेंगे, अनाउंसमेंट वीडियो हो सकता है ट्रेलर का, देन उसके बाद ये लोग ट्रेलर को रिलीज करने वाले हैं। तो ये जो 3-4 दिन का जो टाइम है ना, बीच में जो गैप है, इसमें ना तुम्हें 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो उसके बाद ट्रेलर रिलीज कर देंगे, बट सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है ना भाई, ये पोस्टर, पोस्टर तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है, पोस्टर पर तुम लोग नज़र डालो, एक सैंड का टीला टाइप से बना हुआ है, देन उस पर भैरवा खड़ा है, देन पीछे कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, देन उसके पीछे कुछ दूर पे हम लोगों का कॉम्प्लेक्स की दुनिया देखने को मिल रही है। सो यहाँ पोस्टर पे जो चीज़ों को मेकर्स ने लिखा है वो काफ़ी मीनिंगफुल है। एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज, ये चेंज लाएगा कौन, ये चेंज लाने वाला है अपना भैरवा। भैरवा ही वो इंसान होने वाला है जो काशी की जो नॉर्मल दुनिया है उसका एक रास्ता सेट करेगा कॉम्प्लेक्स की दुनिया में जाने का। इसके अलावा इन लोगों ने कैप्शन में भी काफ़ी अच्छा चीज़ें लिखा हुआ है। कैप्शन में लिखा है ए न्यू वर्ल्ड अवेट्स, कि एक नई दुनिया हम सब की वेट कर रही है और मैं टू बी फ्रैंक ये दुनिया को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा पोस्टर का जो कलर टोन है काफ़ी सही रखा गया, हल्का येलोइश डार्क रखा गया हुआ है, जो ये फिल्म का ही कलर टोन है, इसी टाइप से तो मैंने ये फिल्म का भी कलर टोन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बेटर है। और अभी भाई सब चीज़ें कल्कि के फेवर में चल रही है, भगवान से तुम लोग यही प्रे करना कि अभी तक जैसा चल रहा है सिचुएशन वैसे ही रिलीजिंग तक चले, बिकॉज ये फिल्म बड़ी है, ये फिल्म का कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ तुम लोग बताओ कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के ट्रेलर को देखने के लिए।